बहराइच में खूंखार भेड़ियों के गैंग की दहशत बरकरार है। भेड़िया पकड़ा गया, चार भेड़िए पकड़े गए और बाकी की तलाश जारी है। भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम ऑपरेशन बुल्फ चला रहा है और उसके साथ ही न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और पल पल की जानकारी अब तक पहुंचा रही है। वन विभाग की 12 टीमों को तैनात किया गया और इस ऑपरेशन में करीब 200 वन विभाग के कर्मचारी शामिल हैं। रात में भी सर्च ऑपरेशन जारी रहा। सर्च ऑपरेशन में PAC को भी शामिल किया गया। पुलिस विभाग की टीम तैनात की गई। कॉम्बिंग की कमान बहराइच, बाराबंकी और कतरनिया घाट के DFO को सौंपी गई है। इसके अलावा ड्रोन कैमरे, CCTV कैमरे और थर्मोस्टेट कैमरों के जरिए भी आदमखोर भेड़िए की निगरानी की जा रही है। साथ ही इंफ्रारेड जोन से ड्रोन से लोकेशन ट्रेस किया जा रहा है। देखिए, जब चार भेड़िए इलाके में भागते हुए नजर आए थे, ड्रोन कैमरे से इनको देखा गया, लोकेट किया गया और उसके बाद इन्हें पकड़ने की तैयारी की गई। और आज एक बड़ी सफलता पुलिस वन विभाग की टीम को मिली है, क्योंकि कल सुबह 5 बजे भेड़ियों को पकड़ा जा सका था। चौथे भेड़ियों को पकड़ लिया गया, 3 पहले ही पकड़े जा चुके थे, लेकिन अभी भी एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार कितने भेड़िए और हैं जो इलाके में घूम रहे हैं। लेकिन आपको एक चीज़ और बता दें कि भेड़ियों का दिमाग बहुत तेज होता है और जैसे ही भेड़ियों को पता चलता है कि उनके ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है या फिर उनके जो साथी उनको नहीं मिल रहे हैं, तो वे आश्वस्त होते हैं इस बात से कि उनके साथी पकड़े जा चुके हैं या वो किसी तरीके से शिकार हो चुके हैं। अब भेड़ियों की जान को खतरा भांप कर वो दूसरे क्षेत्र में शिफ्ट हो जाते हैं और पूरी की पूरी गैंग दूसरे क्षेत्र में चली जाती है। और ऐसे ही कुछ मामला यहां भी समझ में आ रहा है। वन विभाग की टीम लगातार इनको भी खोजने की कोशिश में जुटी है। ये पकड़ा गया है। यूपी में ऑपरेशन आदमखोर, बिकॉज ऑफ दैट इंजरी वो लोन वुल्फ की है जो इस टाइप के इंसिडेंट वगैरह कर रहा है। पकड़ा गया चौथा भेड़िया। यूपी के बहराइच में 35 गांवों में आतंक का पर्याय बन चुका भेड़िया आखिरकार पकड़ लिया गया। वन विभाग की टीम ने आज एक और आदमखोर भेड़िये को पकड़ने में सफलता पाई। ये चौथा भेड़िया है जिसे अब तक वन विभाग की टीम ने पकड़ा है। इससे पहले भी 3 भेड़िये पकड़े जा चुके हैं, लेकिन इलाके में दहशत अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि बताया जा रहा है कि 2 और भेड़िये इस इलाके में छिपे हुए हैं, जिनके लिए वन विभाग की टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। 3 भेड़िये पकड़े जा चुके थे, लेकिन उसके बाद भी इंसिडेंट से नहीं, ये चौथा जो भेड़िया है ये काफ़ी बड़ा भेड़िया है और ये ज़्यादा खतरनाक माना जा रहा है। ये पकड़ा गया है और अभी भी 2 और बाकी हैं, हम उन्हें भी जल्दी ही पकड़ेंगे। वन विभाग की टीम पूरी तरह से वहाँ लगी हुई है। आसपास के ज़िलों से भी हमने टीम भेजी है। वहाँ पर ड्रोन कैमरे लगाए गए थर्मल ड्रोन लगाए गए, क्योंकि पेड़ के नीचे अगर बैठा हो तो नहीं पता लगता है ड्रोन से, सिंपल ड्रोन से, तो हमने थर्मल ड्रोन लगाया है ताकि नीचे के टेम्परेचर से फ़र्क पता लग जाएगा कि कहाँ पे है। 45 दिनों में भेड़ियों के 38 हमले, 8 बच्चों और एक महिला समेत 9 लोगों की मौत, 35 गांवों के 50,000 लोगों पर खौफ का साया। पिछले कुछ महीने से इस इलाके के लोग इसी दहशत को जी रहे हैं, लेकिन आज वन विभाग की टीम को एक बड़ी सफलता मिली जब उसने सबसे खूंखार भेड़िये को पकड़ लिया। ये भेड़िया लंगड़ा है लेकिन सबसे ज्यादा खूंखार है। पिछले दिनों यही भेड़िया गाँव से 5 साल के बच्चे को उठा कर ले गया था, जिसका शव खेतों में मिला। वन विभाग ने इस भेड़िये को नदी के किनारे गन्ने के खेत से पकड़ा, इसे पिंजरे में कैद करके रखा गया है।
चार भेड़िए कैद हो चुके हैं, तीन पहले पकड़े गए थे, एक भेड़िया आज पकड़ा गया है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा वो दिखलाए कि भेड़िए का मूवमेंट क्या है, किस तरीके से जो भेड़िया है वो हरकतें कर रहा है। सबसे खूंखार भेड़िया यही माना जा रहा था, जो भेड़िया है वो पूरा यही भेड़िया इस इलाके में जो है अब तक दर्जनों लोगों को घायल कर चुका था और अब तक 8 बच्चों की मौत हो चुकी थी। एक भेड़िया पकड़े जाने से इलाके के लोगों ने अब राहत की सांस ली है। बहराइच में जिस जगह पर सबसे ज्यादा भेड़िए का आतंक है वो तराई वाला इलाका है जो घने जंगलों से घिरा हुआ है। स्थानीय लोगों के मुताबिक भेड़िए इस इलाके में घूम रहे हैं जो मौका मिलते ही अटैक कर देते हैं। वन विभाग का कहना है कि आज जो भेड़िया पकड़ा गया वो लंगड़ा होने की वजह से जंगल में अपना शिकार नहीं कर पा रहा था और इसीलिए अपने झुंड के साथ गाँव का रुख किया। अब भी इस झुंड के 2 भेड़ियों की तलाश जारी है। इन्हें पकड़ने के लिए भी उसी तरह थर्मल ड्रोन कैमरा लगाया गया है जिससे इस भेड़िए को पकड़ने में कामयाबी मिली। वन विभाग की 25 टीमें, 200 से अधिक कर्मचारी और इलाके के लोग बाकी बचे 2 भेड़ियों की तलाश में अब भी जुटे हैं। सबको इंतजार है उस वक्त का जब ये भेड़िए भी पकड़ में आएंगे और इलाके के लोगों को इस दहशत से छुटकारा मिलेगा। कोलकाता कांड में बड़ा पर्दाफाश हुआ जिससे पूरा बंगाल हिल गया। आजीकर मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और लेडी डॉक्टर के माता पिता के बीच फोन पर बातचीत का ऑडियो सामने आ चुका है और इस ऑडियो से साफ पता चल रहा है कि डॉक्टर की मौत के बाद भी आरजीकल अस्पताल के स्टाफ ने उनके परिजनों से झूठ बोला था। 3 अलग अलग कॉल में अलग अलग बातें बताई गई, देखिए आप भी। कोलकाता रेप मर्डर केस में विस्फोटक पर्दाफाश हुआ है, पूरा बंगाल हिल गया है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और लेडी डॉक्टर के माता पिता के बीच फोन पर हुई बातचीत का ऑडियो सामने आ चुका है। इस ऑडियो से साफ पता चल रहा है कि डॉक्टर की मौत के बाद भी आरजीकर अस्पताल के स्टाफ ने उनके परिजनों से झूठ बोला था। एक नहीं बल्कि 3-3 बार झूठ बोला गया। ट्रेनी डॉक्टर की मौत सुबह 3 से 4 बजे के बीच हुई जबकि माता पिता को पहली कॉल सुबह 10:53 पर की गई। पहली कॉल में बताया गया कि आपकी बेटी को बुखार है, उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। थोड़ी देर बाद अस्पताल से दूसरी कॉल पहुंची जिसमें कहा गया कि उनकी बेटी की तबीयत बहुत खराब है और उन्हें इमरजेंसी वार्ड में लाया गया है। इसके थोड़ी देर बाद अस्पताल से तीसरी कॉल पहुंची जिसमें कहा गया कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। मतलब साफ है कि डॉक्टर बेटी के माता पिता से झूठ पर झूठ बोला गया। यानी कि पहली कॉल में अस्पताल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने यह बताया कि आपकी बेटी को बुखार हुआ है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, आज जितनी जल्दी हो सके आप आ जाइए। पहली कॉल में आरजीकर अस्पताल की असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने कहा कि बुखार है, दूसरी कॉल में कहा तबीयत बहुत खराब है। यानी कि लेडी डॉक्टर के माता पिता से 2 बार में 2 झूठ बोले गए। इसके बाद तीसरी बार अस्पताल से फोन आया जिसमें कहा गया कि उनकी बेटी ने खुदकुशी कर ली है। सवाल यह है कि अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात लेडी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी जाती है और अस्पताल उस घटना को छिपाने में जुट जाता है। लेडी डॉक्टर के परिजनों से अस्पताल की तरफ से बार बार झूठ बोला जा रहा था। कम से कम लेडी डॉक्टर के माता पिता को तो अस्पताल प्रबंधन सच बता सकता था। उनकी बेटी के साथ क्या हुआ ये उन्हें जानने का पूरा हक था, लेकिन क्या हुआ? अस्पताल से बार बार झूठ बोला गया, लेडी डॉक्टर के माता पिता को झूठ के अंधेरे में रखा गया। दिल चीर देने वाली सच्चाई पर पर्दा डालने की कोशिश की गई। यही नहीं, जिस अस्पताल को लेडी डॉक्टर के माता पिता को अस्पताल बुलाने की बहुत जल्दी थी उस अस्पताल ने माता पिता के अस्पताल पहुंचने पर लेडी डॉक्टर का शव तुरंत नहीं दिखाया। उन्हें अपनी बेटी का शव, उसका चेहरा देखने के लिए 3 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, News 18।
गुजरात में इस समय 27 जिलों में हाहाकार मचा है। 24 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बाढ़ और बारिश की वजह से अब तक 15 लोगों की जान जा चुकी है। 28 अगस्त को द्वारका, जामनगर, राजकोट और पोरबंदर जिलों में 12 घंटे में 50 मिलीमीटर से 200 मिलीमीटर के बीच बारिश दर्ज की गई। द्वारका के भानवड़ में 185 मिलीमीटर बारिश हुई, जो गुजरात में सबसे ज्यादा है। और आज बाढ़ के भीषण हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सीएम से बातचीत की, मदद का भरोसा दिया। और इस समय गुजरात में सेना, एनडीआरएफ, के जवान लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। आसमानी आफत से गुजरात में मच गया कोहराम। गुजरात में बादल फाड़ मुसीबत से मचा हाहाकार। गुजरात में बाढ़ का कहर, चारों तरफ जल प्रलय। गुजरात में इस समय जहां नजर दौड़ाएंगे आपको पानी का प्रहार दिखाई देगा। क्या इंसान क्या बेजुबान, हर कोई सैलाब की इस चोट से मार खा रहा है। गुजरात के 27 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। हर तरफ सैलाब के प्रहार से त्राहिमाम मचा है। हालात ऐसे हैं कि हर कोई इस भयंकर बाढ़ के आगे बेबस नजर आ रहा है। शहरों की गलियां उफनती नाले में तब्दील हो चुकी हैं, तो गांव के गांव टापू नजर आ रहे हैं। हालत यह है कि लोग छतों पर रहकर अपनी आजीविका चला रहे हैं। गुजरात के वडोदरा से आई इन हैरान करने वाली तस्वीरों को देखिए। पूरा मोहल्ला डूबा है, गलियों में 5 से 6 फीट तक पानी भरा है। इस भयंकर बाढ़ में जो लोग अपने घरों में फंसे हैं, उन्हें निकालने की कोशिशें जारी हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान लगातार रेस्क्यू अभियान चला रहे हैं। नाव के सहारे लोगों को उनके घरों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर ले जाते दिखे। वडोदरा में अस्पताल में भर्ती मरीजों पर डबल अटैक हुआ है। एक तरफ तो वो अपनी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो दूसरी तरफ बारिश के पानी का प्रहार हुआ है। हालत यह है कि सरकारी अस्पताल में गले तक पानी भर गया। लोग अपने मरीजों को स्ट्रेचर पर लादकर अस्पताल से निकलते दिखे। वडोदरा में शहर से लेकर गांव तक हर तरफ पानी का कब्जा हो चुका है। इस बीच वहां अलखी गांव में बीते 3 दिन से एक कपल अपनी छत पर बाढ़ से जिंदगी की जंग लड़ रहा था, लेकिन जब एनडीआरएफ की टीम को पता चला तो उन लोगों को फौरन रेस्क्यू कर लिया गया। इस बीच वडोदरा में एक और हैरान करने वाली तस्वीर आई है। पानी इतना बरसा कि सड़क पर सैलाब आ गया और पार्किंग में खड़ी गाड़ियां कागज की नाव की तरह बहने लगी। एक दो नहीं बल्कि दर्जनों कारें पानी में बहती नजर आईं। वडोदरा में लगभग हर गली मोहल्ले में रहने वाले लोग बाढ़ से बेबस नजर आ रहे हैं। पूरा शहर टापू बना दिख रहा है। पार्किंग में गाड़ियां डूबी हैं, तो लोगों के आशियाने डूब चुके हैं। यही नहीं, भगवान का मंदिर भी इस सैलाब में समाया नजर आया। सैलाब के बीच रेस्क्यू की एक हैरान करने वाली तस्वीर जूनागढ़ से भी आई, जहां तबाही के मंजर के बीच फंसे लोगों को निकालने का अभियान चलाया गया। पानी में फंसे 7 लोगों को एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू करके उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। गुजरात के दाहोद में भी सैलाब ने कब्जा जमा रखा है। वहां भिलोदा नदी अपने उफान पर है। इस बीच नदी के किनारे से गुजर रहा एक मोटरसाइकिल सवार सैलाब की चपेट में आ गया। इसके बाद उसे बचाने का अभियान चलाया गया। जमीन की खुदाई करने वाली मशीन के सहारे उस युवक को कड़ी मशक्कत के बाद बचा लिया गया। गुजरात के पोरबंदर में सैलाब से संघर्ष सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि बेजुबान भी करते दिखाई दिए। पोरबंदर के कुतियाना इलाके में सड़क पर आए सैलाब की चपेट में आकर कुछ भैंसे बह गईं, तो कुछ लहरों से संघर्ष करके बाहर निकल आईं।
पोरबंदर में बाढ़ के बीच लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बाढ़ में फंसे करीब 21 लोगों को हेलीकॉप्टर के सहारे सुरक्षित निकाला गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में दमकल विभाग, नेवी, कोस्ट गार्ड, मरीन कमांडो और एसडीआरएफ की टीम शामिल रही। गुजरात में बारिश लोगों के लिए आफत बनती जा रही है, तो वहीं जानवर भी इसकी जद में आ चुके हैं। वडोदरा में नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिससे अब मगरमच्छों ने घरों में दस्तक दे दी है। ये रिपोर्ट देखिए। कहीं घर की दहलीज तक पहुंच गए तो कहीं घर की छत पर डेरा बना दिया। हर तरफ मगरमच्छ ही दिखाई दे रहे हैं। गुजरात के वडोदरा शहर में बाढ़ और बारिश ने हाहाकार मचाया है, तो वहीं अब मगरमच्छ भी लोगों की परेशानी बढ़ा रहे हैं। रिहायशी इलाकों में मगरमच्छ घुस गए हैं, जिससे लोगों की जान भी खतरे में पड़ती दिख रही है। वडोदरा शहर से होकर बहने वाली विश्वामित्री नदी अपनी सरहद को लांघकर रिहायशी इलाकों में बह रही है, जिससे निचले इलाकों में जल जमाव हो गया है। इमारतें, सड़कें और गाड़ियां पानी में डूब गई। अब इस मगरमच्छ को देखिए, ये वडोदरा के कामनाथ नगर की कॉलोनी में घुस आया है। जैसे ही स्थानीय लोगों की नजर उस पर पड़ी, सभी विशालकाय मगरमच्छ को देखकर दहशत में आ गए। इसके बाद लोगों ने वो इलाका खाली कर दिया। बाद में वन विभाग की टीम को सूचना दी गई और मगरमच्छ को वहां से हटाने का काम शुरू किया गया। एक और तस्वीर देखिए, जिसमें मगरमच्छ घर की छत पर आराम करता दिखाई पड़ा। एक तरफ बाढ़ बारिश ने गदर मचाया हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ इंसानों के साथ साथ जानवरों पर भी खतरा मंडरा रहा है। विश्वामित्री नदी मगरमच्छों के लिए जानी जाती है, लेकिन नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से नदी के मगरमच्छों की जान पर बनाई है। वो नदियों को छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तरफ रुख कर रहे हैं, और ये कुदरत की मार का ही नतीजा है कि मगरमच्छ अब घरों में डेरा बनाते जा रहे हैं। कई मगरमच्छों का रेस्क्यू भी किया गया है, लेकिन फिर भी शहर के अंदर मगरमच्छों की मूवमेंट देखी जा रही है, जिससे लोगों की जान का खतरा बना हुआ है। मगरमच्छ उग्र होकर हमला भी कर सकते हैं, हर वक्त ये आशंका बनी रहती है। गुजरात में हो रही भारी बारिश से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। हर तरफ बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। इससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। खास तौर पर वडोदरा में हुई मूसलाधार बारिश ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। वहीं अब मगरमच्छों के रिहायशी इलाकों में आने से लोग खौफजदा हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।